हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा रिव्यूज़। तो आज हम बात करने वाले हैं मैदान मूवी के टीज़र के बारे में। फ्रेंड्स, फाइनली भोला मूवी के साथ साथ अजय देवगन की नेक्स्ट मूवी का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसका नाम है मैदान। बात करेंगे इस मूवी के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैदान मूवी एक बायोपिक मूवी रहने वाली है, जो कि बेस्ड रहने वाली है हमारे इंडियन फुटबॉलर कोच रह चुके सईद अब्दुल रहीम पर। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है अमित शर्मा के द्वारा, जिन्होंने ऑलरेडी बधाई हो जैसी पावरफुल मूवीज़ डायरेक्ट की हैं और काफ़ी दमदार मूवीज़ रही थी और काफ़ी हिट मूवीज़ भी रही थी। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आने वाली है 23rd of June 2023 को। तो जून 2023 आप देखने वाले हैं, बॉलीवुड मूवीज़ के साथ भरा रहने वाला है और काफ़ी दमदार रहने वाला है जून 2023 इस साल आपके लिए। इस साल पहले तो आप ईद पर हमारे भाईजान की मूवी देखेंगे, किसी का भाई किसी की जान। उसके बाद फ्रेंड्स, 2 जून को आप शाहरुख खान की मूवी देखेंगे, अगर उसमें कोई डिले नहीं हुआ, जिसका नाम है जवान, जो कि पहले से ही लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं उस मूवी का। उसके बाद फ्रेंड्स, प्रभास चारर आदि पुरुष भी जून में ही रिलीज होने वाली है। तो उसके बाद अब इस मूवी को भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि जून में ही रिलीज की जाएगी। तो फ्रेंड्स, जून काफ़ी भरा रहने वाला है बॉलीवुड के लिए, और पता नहीं अब कौन सी मूवी चलती है कौन सी नहीं चलती, ये तो आप ऑडियंस पर ही डिपेंड करता है, और कंटेंट कितना दमदार रहेगा किस मूवी का वो उस पर बेस्ड रहेगा कि कौन सी मूवी चलेगी या कौन सी नहीं चलेगी। तो फ्रेंड्स, मैदान मूवी उसी पर बेस्ड है, एक बायोपिक मूवी है जो कि हमें वाइब्स देती है गोल्ड मूवीज जैसी, जो कि अक्षय कुमार की मूवी आई थी लास्ट। और उसके बाद ये मूवी कुछ कुछ वाइब्स देती है चक दे इंडिया की भी, जिसमें हमें शाहरुख खान देखने को मिले थे। ये मूवी बेस्ड रहेगी फुटबॉल टीम पर, जो कि पहली बार समर ओलंपिक्स खेलने गई थी 1952 में, और वहाँ पर हमारे इंडियन प्लेयर्स को क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और क्या क्या मुश्किलें उन्हें झेलनी पड़ी थी जब वो पहली बार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई की थी हमारी इंडियन टीम। तो फ्रेंड्स, ये मूवी उसी पर बेस्ड रहेगी सारी। और इसके साथ साथ आपको इस मूवी में म्यूजिक एआर रहमान का देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि ओस्कर अवार्ड विनर हैं और काफ़ी दमदार म्यूजिक रहता है उनका, जिस मूवी में भी वो म्यूजिक देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी का टीजर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए भोला मूवी का भी रिव्यू जल्द ही लेकर आने वाला हूँ।